सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है बी स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज और ट्रांसफर रूमर्स। तो सूरज आज का वीडियो बिना किस देरी के, तो जो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है केरला वर्सेस एफसी की तरफ से, तो केरला वर्सेस एफसी कृतिकेश गरेकर को खरीद सकते हैं। तो कृतिकेश गरेकर एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है और डेम्पो एफसी के प्लेयर है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है, और केरला वर्सेस एफसी काफी हद तक बात बुक कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अब कंफर्म समझ सकते हैं कृतिकेश गरेकर केरला वर्सेस एफसी में आएंगे, और ये केरला वर्सेस एफसी के लिए बहुत ही अच्छा साइनिंग होगा, क्योंकि केरला वर्सेस एफसी रिसेंटली बहुत सारे प्लेयर्स को छोड़ना पड़ा है केरला वर्सेस एफसी को, और इसी के चलते उनको यंग प्लेयर्स उठाना भी जरूरी है, पिक करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, मतलब ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स केरला वर्सेस एफसी छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा साइनिंग होगा केरला वर्सेस एफसी के तरफ से। सो नेक्स्ट आ रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कोचिंग को लेकर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के दो कोच हो सकते हैं, अभी दो टीम दो कोचेस के साथ बातें कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट, और एक है जॉर्ज कोस्ता जो कि मैंने पहले ही बताया था, और दूसरा है करीम बेंशरीफा। सो जिनको करीम बेंशरीफा नहीं पता, बता दो करीम बेंशरीफा पुणे सिटी एफसी में भी कोचिंग करवा चुके, मोहन बगान के भी कोच रह चुके, और सलगावकर एफसी के भी कोच रह चुके, तो उनको उनके पास काफी एक्सपीरियंस है इंडिया में कोचिंग करवाने का। सो मुझे लगता है ये करीम बेंशरीफा एक अच्छे कोच हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, और जॉर्ज कोस्ता के साथ भी बात अभी चल रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का। हम लोग को देखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी किसको अपना कोच रखते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है मार्कोस स्टैंकोविच को लेकर। तो मार्कोस स्टैंकोविच जो हैदराबाद एफसी के लिए खेलते थे, वो ऑफिशियली उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और तो ये एक मैं बोलूंगा मतलब ठीक है, उनका डिसीजन था कि वो भी उनको लगता है कि वो रिटायर्ड हो जाना चाहिए, तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सो हैप्पी रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट लाइट लाइफ, और क्या बोलूंगा मैं। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एफ सी गोवा की तरफ से। तो एफ सी गोवा ने कोड़ो को ऑफर किया था, और कोड़ो को जो ऑफर किया था उससे कोड़ो खुश नहीं है। उन्होंने कुछ बोला है एफ सी गोवा के बारे में, तो उन्होंने बोला कि एफ सी गोवा ने जो ऑफर दिया है कोड़ो को वो उनके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, फिर उनके वैल्यू को ठीक से दर्शाता नहीं है कि वो कितने वैल्यूएबल प्लेयर है, और इसी के वजह से कोड़ो एफ सी गोवा में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी कोड़ो को ऑफर नहीं किया जा रहा है, और ये एफ सी गोवा के लिए एक बहुत ही बुरा न्यूज मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर कोड़ो एफ सी गोवा में नहीं आता तो कौन आएगा, ये एक चीज है वो मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा। और एक और जो अच्छा न्यूज है वो यही है कि न्यूज निकल का है कि एफ सी गोवा कुछ प्लेयर्स के साथ, फॉरेन प्लेयर्स के साथ अभी बात कर रहे हैं, नाम निकल के नहीं आए, बट जब आएगा मैं बता दूंगा। सो हाँ, अब कोड़ो के टॉपिक में वापस जाते हैं। सो एफ सी गोवा कोड़ो को मतलब खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, ऑफर तो किया है बट कोड़ो के लिए वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं है, और कोड़ो ने बोला कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं दूसरे क्लब में चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा एफ सी गोवा में, क्योंकि एज बिकॉज ही इज अ फ्री एजेंट राइट नाउ। सो यही कुछ था कोड़ो के ऊपर अपडेट, फ्यूचर में जब कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है नेरोका एफ सी के तरफ से। तो नेरोका एफ सी डैनियल किपजन, सो डैनियल किपजन एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उनके ऊपर नेरोका एफ सी इंटरेस्टेड है, और उनको साइन करवाने के लिए भी नेरोका एफ सी काफी ट्राई कर रहे हैं। हम लोग को देखना पड़ेगा कि डैनियल किपजन नेरोका एफ सी में आते या नहीं, और अगर आते तो थोड़ा सा ये बड़ा डील होगा, सो नेरोका एफ सी के लिए भी अच्छा। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और एक स्पेशल वीडियो आ रहा है आज 6 बजे या फिर आज या कल तक आ जाएगा। सो हाँ, स्पेशल वीडियो का वेट कीजिएगा, और प्लीज उस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।